ऑस्ट्रेलिया के पीएम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूसरी वर्चुअल मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम से कहा कि व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, शिक्षा और नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हमारा पहले से ही बहुत घनिष्ठ सहयोग रहा है। यूपी में सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। 23 मार्च को गृहमंत्री अमित शाह लखनऊ जाएंगे, जिसके बाद वो 24 मार्च को विधायक दल की बैठक में हिस्सा लेंगे और इस बैठक में योगी आदित्यनाथ को औपचारिक रूप से विधायक दल का नेता चुना जाएगा। पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में जीत के बाद आम आदमी पार्टी ने 9 राज्यों में संगठन की घोषणा शुरू कर दी है। आपका फोकस अब गुजरात और हिमाचल प्रदेश पर है। आप पार्टी ने गुजरात की जिम्मेदारी संदीप पाठक को दी है। औरैया में दबंगों ने पैसों के विवाद को लेकर युवक पर फायरिंग कर दी। युवक ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। वह इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। मुजफ्फरनगर के कई इलाकों में रोड पर तेंदुआ दिखने से आसपास दहशत का माहौल है। वहीं तेंदुआ का रोड पर चलते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। सिद्धार्थनगर में पति पत्नी के आपसी झगड़े में युवक ने की खुदकुशी करने की कोशिश। वही घटना के बाद युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। कन्नौज में जमीनी विवाद को लेकर तमंचा दिखाकर जानमान की धमकी देने गए पूर्व ब्लॉक प्रमुख चंद्रभान जाटव का सोशल मीडिया पर तमंचे सहित फोटो वायरल हो गया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पूर्व ब्लॉक प्रमुख को गिरफ्तार कर लिया। रूस अब तक यूक्रेन के किसी बड़े हिस्से पर कब्जा नहीं कर पाया है, तो वहीं सुमी क्षेत्र में रूसी उपकरणों के काफिले के एक हिस्से को यूक्रेन ने तबाह कर दिया। इस हमले में रूस की मिलिट्री इंडस्ट्री का गौरव कहा जाने वाला ब्लैक ईगल टैंक नष्ट हो गया है। पीलीभीत में बाइक सवार बदमाशों ने सेल्समैन को गोली मारकर लाखों रुपए की लूट को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। वहीं मौके पर पहुंचे आला अधिकारियों ने मामले की जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गोंडा में रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपिटाई हुई। घटना में महिला सहित 3 लोग घायल हो गए। वहीं अब इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। लखनऊ में द कश्मीर फाइल्स की टीम ने यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से राजभवन में की मुलाकात। फिल्म के प्रोड्यूसर अभिषेक अग्रवाल, निर्देशक विवेक अग्निहोत्री, अनुपम खैर और पल्लवी जोशी ने की मुलाकात, जिसके बाद द कश्मीर फाइल्स की टीम ने यूपी के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की। बदायूं में आज भाजपा के बागेश पाठक ने एमएलसी पद के लिए कराया नामांकन। बस्ती में सपा से संतोष कुमार सन्नी ने किया नामांकन। एमएलसी के लिए दाखिल किया अपना नामांकन। बस्ती सिद्धार्थनगर सीट से दाखिल किया है नामांकन। गोरखपुर में अधिवक्ता आदित्य प्रताप सिंह और महिला थाना प्रभारी द्वारा वाद विवाद के बाद अम्बेडकर चौक पर अधिवक्ताओं द्वारा धरना प्रदर्शन कर रोड को अवरुद्ध कर आवागमन प्रभावित कर देने पर आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार अम्बेडकर चौक पहुंचकर अधिवक्ताओं को समझाने बुझाने की कोशिश करते रहे, जिसके बाद आम जनजीवन अस्त व्यस्त होने से बच सके और सुचारू रूप से आवागमन चल सके। लखनऊ में बीजेपी सरकार ने यूपी में 30 एमएलसी प्रत्याशियों के टिकट वितरण किए। एसआर ग्रुप के चेयरमैन पवन सिंह को सीतापुर के टिकट प्रत्याशी बनाया गया। एसआर कॉलेज में भुवन सिंह चौहान का फूलमालाओं के साथ स्वागत किया गया, उसके बाद सीतापुर नामांकन करने रवाना हुए। प्रतापगढ़ में आरा मशीन संचालक की हत्या कर दी गई। बदमाशों ने हत्याकार सब को सड़क किनारे फेंक दिया गया। बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। सीओ सदर समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। 15 दिनों के अंदर लगभग क्षेत्र में 6 हत्याओं से प्रतापगढ़ में दहशत का माहौल है। सिरफरे युवक का किसानों पर बलगटी और फावड़े से जानलेवा हमला। एक महिला समेत 2 किसानों की मौत, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। सनकीरे राहगीरों को भी निशाना बनाया। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। डीआईजी एसएसपी संतोष कुमार सिंह भी घायलों से मिलने जिला अस्पताल पहुंचे।